हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज की रेसिपी है चिकन लेग पीस रेसिपी। तो बिरयानी के रेसिपी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। एक कमेंट था हेना माई वे की तरह से, थैंक यू हेना माई वे इस तरह के अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और जानकी समयल जो कि बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, और सिंपली तृप्त, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। सो इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, थैंक यू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चिकन ड्रमस्टिक से अलग पीस बनाने का प्रोसेस। तो इसके लिए हम लेंगे चिकन ड्रमस्टिक्स, 4 लिए हैं हमने, और इसमें थोड़े से स्लिट्स लगा लेंगे और ऐड करेंगे सॉल्ट 1/4 छोटी चम्मच या टेस्ट के अनुसार। अब हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 छोटी चम्मच, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी 1/4 छोटी चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच, और मैदा या ऑल पर्पज फ्लोर 1 बड़ी चम्मच, और ऑरेंज फूड कलर 2 पिंच हम लेंगे, और लेमन का जूस 1 टेबलस्पून, और थोड़े से कड़ी पत्ते यानी कि 2 स्ट्रैंड्स लिए हमने। और अब हम ऐड करेंगे एक एग ही लिया है हमने। अब हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स कर लेंगे चिकन को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। तो बहुत से लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज आपके सामने ला सकें। अब हम ऐड करेंगे चिकन मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इसे लिड लगाकर करीबन 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक साइड रख लेंगे। और यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और ऐड करेंगे ऑयल, और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से हीट होने के बाद हम एक एक करके चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे यानी कि चिकन के लेग पीसेस को। तो इसे करीबन 7 मिनट तक कुक कर लेंगे यानी कि एक साइड पर। 7 मिनट के बाद कुक करने के बाद इस तरह से दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे, और फिर से करीबन 7 मिनट यानी कि 7 मिनट्स तक फिर से दूसरी तरफ जो है कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर आ रहा है। तो इसी तरह से दोनों तरफ चिकन में जो है रेड कलर या डार्क ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकन जो है यानी कि चिकन के ड्रमस्टिक से या लेग पीस जो है बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है। तो चलिए इस एक प्लेट में ले लेंगे, और आप इसे बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ खा सकते हैं। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।